मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। विधानसभा के सितारा गांव में दो तीन दिन पहले एक घटना हुई, वाद विवाद की नौबत आई और पुलिस तक मामला पहुंच गया। सिर्फ समस्या थी पानी भरने को लेकर, छोटी सी समस्या को बड़ा बना दिया गया। कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर खुद घर में ही कोई विवाद किया जाए तो वो ठीक नहीं रहता, लेकिन घर का विवाद समझकर कहीं ना कहीं जो एक समाज के मुखिया हैं आपस में बैठकर उस विवाद का निपटारा कर लें सबसे बेहतर बात मानी जाती है, और वही किया। धर्म जागरण समन्वय विभाग के संयोजक नंद किशोर वाल्मीकि, जिन्होंने एक ऐसी महती भूमिका निभाई, कहीं ना कहीं एक सूत्रधार की भूमिका निभाई और एक बड़े विवाद को खत्म करने का प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया, उसको खत्म भी किया। मेरे साथ में आज अर्थ न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का विवाद था वो, पानी भरने की जो समस्या थी, कहीं ना कहीं एक छोटे से विवाद को बड़ा तूल दे दिया जा रहा था, किस तरह का? देखिए, मैंने जब वहां जब गया, अखबारों के जब माध्यम से मैंने देखा और देखने के बाद में जब मैं वहां गया, दोनों परिवारों से मिला जी। प्रथम पक्ष तो मेरा अपना परिवार था जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग थे, तो मैं उनसे मिला जाके, तो वहां पानी की तो समस्या थी जी, लेकिन आज कोई नई समस्या नहीं थी, ये पुरानी समस्या चली आ रही है। तो उसको निपटने का काम था जी। वो ये था कि हमारे लोग हैं, वो लोग करते आ रहे थे, धनगर समाज के लोग थे, उनके यहां प्रधान भी रहे थे, तो वो आके उनको पानी भरने देते थे, कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। और उसके बाद में भी जब अगर हैडपंप नहीं भी चलता था तो वो अपनी समर चला के पानी देते थे, क्योंकि वहां पर मात्र दो घर हैं, वो दया की दृष्टि से हमेशा देखते हैं। अब वहां पर जब मैंने जाके उस समाज को सुना तो वहां कुछ नहीं दिखा, बोले नहीं हमारे तो कोई विवाद नहीं हुआ ना कुछ हुआ है। उसके बाद में मैं बघेल समाज में गया, वहां पर जाकर जब मैंने पंचायत वहां गया तो वहां गणमान्य लोग करीब 20-22 लोग थे, वो आके वो भी उपस्थित हो गए। उनसे जब मैंने चर्चा के विषय रखा तो उन्होंने भी कहा, बोले नंद किशोर जी हम तो अखबार सुन के दंग रह गए कि हमारे क्षेत्र की घटना है जी। तब एक छोटे से विवाद को इतना बड़ा तूल दे दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ऐसा मानते है कि उस पक्ष के साथ में जो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहा है, उसके साथ में कोई और भी पार्टी का या किसी और व्यक्ति का जो माहौल खराब करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का हाथ हो? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे संभल हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे ये घटना हो, इन सबके पीछे जो हाथ रहता है वो हमेशा एक विशेष दल की पार्टी है जो फंडिंग करती है, और जिस तरीके से मतलब अपना ये दुकान चलाना चाहती है वो, और उनको ये सरकार है वो हजम नहीं हो रही है। हजम ना होने का कारण ये है कि उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब जातिवाद की राजनीति भी खत्म हो चुकी है, अब तो विकास की राजनीति रह गई है, राष्ट्रवाद की राजनीति रह गई है, अब आप जातिवाद की राजनीति भी खत्म होने वाली है। तो उनके पीछे इन लोगों के ऐसे गुर्गे हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला के अखबारबाजी करके और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपके पास आकर और आज आपके माध्यम से लोगों तक संदेश दूंगा कि जहां तक मेरी गाड़ी चलेगी और जहां तक मेरी गाड़ी में डीजल होगा
और जब तक मुझमें क्षमता है मैं समाज में जाके समन्वय लाने का काम करूंगा, ना कि आपसी में विरोध करने। कहीं ना कहीं जैसे पंचायत हुई, वहाँ गणमान्य लोग मौजूद रहे, आए, सब लोगों को आपने आपसी तालमेल के साथ वो जो मसला हो रहा था, जो बड़ा बनने वाला था, उसको खत्म कराया आपने। लेकिन बात की जाए वाल्मीकि समाज के जो व्यक्ति थे, उनसे आपने जानने की कोशिश की कि जे आपको किस तरीके से या किसी ने आपको भ्रमित किया है, ऐसा कुछ जानने की कोशिश की, या उनका स्वतः ही ऐसा एक सोच रही? बिल्कुल, इसमें एक विवेक करके मेरे संज्ञान में आया था जी। कोई विवेक है जो लड़का है जी। अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है जी। वो गुमराह उनको किया और गुमराह करने के बाद में उनको शराब वराब का सेवन कराया, शराब का सेवन करा के मजबूरन थाने के सामने उनको तहरीर देने को मजबूर कर दिया। जब मेरी स्थानीय थानेदार से और स्थानीय सीओ साहब से मेरी बात हुई, तब मैंने उनको बोला, मैंने कि अगर आप निष्पक्ष जांच करने के बाद में जो भी कार्रवाई करें, पहले निष्पक्ष जांच कर लें जी। तो उन्होंने भी प्रभावित होकर मेरी बात को सक्षम रखा और वहां पर भी शांति प्रिय माहौल बनाकर रखा। कहीं ना कहीं इतने जो एक बड़ी घटना होने जा रही थी या बड़ा मामला होने जा रहा था, अखबारों में आ गया, स्थानीय स्तर पर लोग इसको शायद छोटा मानते हो या उनकी समझ में भी नहीं आया हो कि क्या हो गया, क्या अखबारबाजी हो गई। लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक पंचायत करके चार लोगों को बैठा के, अपने समाज के और दूसरे समाज के लोगों को बैठा कर इस मामले को खत्म किया है, खुद में कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं एक समाज का नागरिक हूँ और ऐसी पहलुएं खत्म करने में अगर मेरा कहीं योगदान है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और सदैव ऐसा मैं कार्य करता ही रहूंगा। चलिए वाल्मीकि जी, कहीं ना कहीं जो गांव सिकतारा विधानसभा बाहर लगती है, कहीं ना कहीं आपने इस पूरे मामले को खत्म करने का प्रयास किया और खत्म कराया, जो कहीं ना कहीं पुलिस तक, थाने चौकी तक ये मामला पहुंच गया। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह की जो घटनाएं कहीं ना कहीं जो जन्म ले रही होती हैं, और आप जैसे कहीं ना कहीं लीडर, आप जैसे कहीं ना कहीं जो समन्वय बनाकर लोगों में आपसी जो मतभेद भुलाकर और जो एक प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से काम करते रहें। तो आप मेरे साथ में धर्म जागरण समन्वय मंच के विभाग के नंदकिशोर वाल्मीकि जी थे। कहीं ना कहीं जो एक बड़ी घटना या बड़ा विषय या बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था आपसी दो जातियों के बीच में, सिर्फ एक छोटी सी समस्या को लेकर, वो समस्या थी पानी की, पानी भरने को लेकर तूल दे दिया जा रहा था इस बात को, लेकिन आपने आपसी जो लोगों को जोड़कर और उस मामले को खत्म कराया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। उम्मीद करते हैं किसी तरीके से और भी लोग कार्य करें। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, करतार सिंह बघेल।